भाई आज जो मैं करने वाला हूँ ना गाइस, इस गेम में मतलब एकदम अनोखी चीज है, बस तुम देखना। सो ही व्हाट्स अप गाइस, इट्स आईडियाज हियर बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में भाई मैं जितनी भी ट्रेन्स आएंगी गाइस उनके ऊपर जंप करने का कोशिश करूंगा यार। तो भाई एकदम अजीब सा काम मैं करने जा रहा हूँ, मतलब तुम भी सोच के शौक से हो गए कि भाई ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। बट भाई आज मेरा यही प्लान है गाइस, ये देखो ये ट्रेन आई एंड इसके ऊपर मैं जंप, ये देखो भाई मैंने मतलब गाइस तुम देख सकते हो मैं इस लोकोमोटिव के ऊपर मैंने जंप लगा दिया फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके। एंड तुम देख सकते हो भाई मतलब ये देखो भाई इसका पेंटो देख लो गाइस, पेंटो के पास में हूँ मैं। एंड यहाँ पर तो भाई भाई मेरे को करंट ना लग जाए गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, पता लगे भाई शॉक लग जाए मुझे यहीं पर। और तुम देख सकते हो यहाँ पे जो पेंटोग्राफ है गाइस, अभी जैसे ही ट्रेन रुकेगी ना इसका जो पीछे वाला पेंटोग्राफ है भाई वो डाउन होगा। अभी मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ, एक बार इस ट्रेन को रुकने दो यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ गाइस आज। ये देखो यार अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है भाई, नीचे हो जाए यार पेंटोग्राफ। ये देखो गाइस ये नीचे हो रहा है। एंड अभी फ्रंट वाला पेंटोग्राफ देखना गाइस, वो अप हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखो यार ये देखो ऑटोमेटिकली मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ भाई, ये वाला जो सीन है अक्सर मैं तुम्हें मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर दिखाता था, बट आज देखो आज मैं ट्रेन के ऊपर से दिखा रहा हूँ गाइस। तो भाई लाइक ज़रूर से आप लोग बटन दबा देना। और बाकी तुम देख सकते हो अभी यहाँ पर मैं इस ट्रेन के नीचे उतर चुका हूँ। एंड भाई क्या जंप लगाई थी गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, मज़ा आया कि नहीं भाई, मतलब एकदम परफेक्ट लैंडिंग हुई थी हमारी लोकोमोटिव के ऊपर। और बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पर ये VX7 लोकोमोटिव है, तो भाई तुम्हारे ऊपर मुझे जंप करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया VX7। और भाई लोको पायलट को तो गाइस एकदम से मतलब वो सोच रहे हैं भाई कौन कूद पड़ा भाई लोकोमोटिव के ऊपर। और ये देखो यहाँ पर एक मालगाड़ी गुजर रही है VX7, इसका भी लगा हुआ है टाइगर फेस डिलीवरी वाला, इसके साथ टाइगर फेस करते हैं ना गाइस। ज़रा मुझे कॉमेंट बताना ये जो VX7 गया है क्या इसे टाइगर फेस डिलीवरी वाला VX7 कहते हैं, ज़रा मुझे कॉमेंट आप लोग बताना। बायदा भी ये ट्रेन तो जा चुकी है और दूर में मुझे यहाँ पर एक और ICF ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है, बट मुझे ट्रेनों से कुछ नहीं लेना। ये देखो कैसी वही ट्रेन है जिसका कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जंप किया था, चलो इसको दोबारा से भाई मैंने तो कोच के ऊपर जंप किया था ना, तो मैं इसके अंदर कैसे आ गया गाइस। इस गेम का ग्लिच है यार, वो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर लेना। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो जो ट्रेन है भाई, मतलब मैंने एकदम सही जंप किया था, मैंने सोचा भाई इस कोच के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, बट देखो यार मतलब मैं पता नहीं कैसे कैसे कोच के अंदर चला गया यार। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो ट्रेन जा चुकी है। एंड यहाँ पर सामने से एक और ट्रेन आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है। अरे नहीं भाई मैंने जल्दबाजी कर दी, देखो भाई मुझे कहाँ लेके जा भाई, इसे कोई रोको गाइस, मुझे कहाँ लेके जा रही है फोर भाई मेरा प्लेयर भाई इसे कोई रोको यार, देख रहे हो गाइस मुझे वैफ फोर अपने साथ लेकर जा ही रहा है यार, भाई मुझे नहीं जाना यार, रोको यार इसे कोई। ये देखो तुम देख सकते हो मेरा जो प्लेयर वो इस वैक भाई फाइनली ये रुक चुकी है गाइस। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैफ फोर लोकोमोटिव था ये मतलब मुझे मैं क्या बताऊँ गाइस, मुझे लेकर आ गया भाई अपने साथ यार, नहीं जाना मुझे इसके साथ। और तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैफ फोर ये रुक चुकी है, और इसके साथ मैं क्या करूँगा इस, अब तो यार मैंने सोचा भाई इसके ऊपर जंप लगाऊंगा, बट देखा तुमने मैंने जल्दबाजी कर दी। एंड वैफ फोर ने जो मेरा हाल किया है ना, अच्छा जो गाइस मेरा प्लेयर इस गेम में मैं क्या बताऊँ, अच्छा जो मेरा प्लेयर इस गेम में मर नहीं सकता यार, वरना भाई मेरे कारनामे तो ऐसे हैं भाई, मेरा प्लेयर कितनी बार मैं क्या बताऊँगा इस। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक और ट्रेन आ रही है, तो क्या इसके ऊपर मैं जंप कर पाऊंगा गाइस, अब मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने की थी और वैफ फोर ने मेरा क्या हालत किया तुमने तो देख लिया ना, तो अब मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। और अब ये VX7 के ऊपर मैं जंप ओए एकदम सक्सेसफुली गाइस, ऐसी लैंडिंग करनी थी यार मुझे यार, पता नहीं गाइस मैं वैफ फोर के आगे कैसे फंस गया यार, मतलब पता नहीं गाइस मैं कैसे जल्दी कूद गया, लगभग 1 से 2 सेकंड का डिले हुआ था ना वहाँ पर, ज़रा मुझे आप लोग कॉमेंट्स बताना यार, मतलब डिले नहीं हुआ था एक्चुअली मैं जल्दी कूद गया था। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो रेस चल रहा है भाई, जिस ट्रेन पर मैं खड़ा हूँ तुम देख सकते हो उसके साथ साथ में एक और ट्रेन आ चुकी है, वैफ फोर लोकोमोटिव उसका लगा हुआ है। बाय द वे इससे पहले वाली वीडियोस में गाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, तो मैंने सोचा भाई ऐसे ही क्यों ना कुछ दोबारा मैं ट्राई करूं। एंड तुम देख सकते हो अभी हम दोबारा से एक तरीके से नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, जितनी भी ट्रेनें मुझे दिखाई दे रही हैं सबके लोकोमोटिव के ऊपर मैं कूद रहा हूँ यार, तो एक तरीके से न्यू थिंग हुई है। और मैंने पूछा था भाई इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों से कि भाई इस गेम का अपडेट कब आ रहा है, तो मुझे कई लोगों ने रिप्लाई दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो क्या ये मुझे ट्रेन लेकर जाएगी अपने साथ गाइस, इसके साथ मैं जाऊँ या फिर नहीं, ज़रा मुझे आप लोग कमेंट में बताओ यार, क्या लगता है गाइस मुझे इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं यार,
चलो गाइस एक काम करता हूँ, सामने में एक फाटक पड़ता है लैब क्रॉसिंग, वहाँ तक चलता हूँ गाइस, फिर वहाँ से मैं पैदल आ जाऊँगा वापस। बाय द वे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइड में कोई एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी है, एंड ये देखो ओए होए गाइस ये ट्रेन भी चल रही है हमारे साथ, मतलब इनका तो रेस हो गया यार। तुम देख सकते हो ये बैक फोर और हमारा जो ट्रेन है वो साथ में निकल रहा है यार, मतलब इन्होंने साथ में एंट्री भी लिया था शायद से ना, अगर मैं चाहूँ तो मुझे कॉमेंट्स बताना गाइस। जब हम एंटर मार रहे थे तो ये बैक फोर भी हमारे साथ साथ में आ रहा था, एंड अब जब हम निकल रहे थे फिर भी हमारे साथ में आ रही है। देखो यार बैक फोर का तो फुल मूड है गाइस हमसे रेस लगाने का यार, देखते हैं गाइस कौन जीतता है इस वाली रेस में। बैक फोर यार देखो यार हार मान जाओ, हमारा बैक सेवन भी कुछ कम नहीं है यार। और बाकी आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पर जो हमारी ट्रेन है वो स्पीड को इंक्रीज कर रही है, एंड भाई मतलब लोग को पहले सोच रहे गाइस ऊपर कौन चल रहा है मेरे, बट उन्हें क्या पता भाई मैं उनकी ट्रेन के ऊपर कूद चुका हूँ। बाय द वे अभी तुम देख सकते हो लेवल क्रॉसिंग आ चुके हैं, एंड यहीं तक मुझे परमिशन था जाने का, अब मैं दोबारा चलूँगा अभी प्लेटफॉर्म पे। और ये देखो गाइस यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, एंड वो ट्रेन जा चुकी है भाई। रेस तो गाइस मतलब ख़त्म नहीं हुई, ट्रेन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई, और तुम देख सकते हो यहाँ पर अगेन ये जो पीछे वाला ये देखो यार इसके ऊपर मैं दोबारा से जंप करने की कोशिश करता हूँ, भाई मुझे गिरना बिल्कुल नहीं गाइस नीचे। और ये देखो ओए होए परफेक्ट, इसे भी कहते हैं परफेक्ट लैंडिंग। देखो मतलब गाइस मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की, एंड सक्सेसफुली तुम देख सकते हो मैं इस लोकोमोटिव के ऊपर में आ चुका हूँ, एंड ये वाला जो ट्रेन है ये रिवर्स में जा रही है। तो सोचो गाइस रिवर्स वाला सीन भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, मतलब मैंने तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा दिखाया गाइस आज तो इस वीडियो में, मतलब जब ट्रेन आगे जा रही थी फिर मैंने दिखाया, पेंटोग्राफ का एनिमेशन दिखाया गाइस भाई वीडियो के स्टार्टिंग में, तो भाई लाइक ज़रूर से ठोक देना आप लोग। और यहाँ पे तुम देख सकते हो सामने में लगता है ट्रैक चेंज हो रहा है इसका, और वो देखो भाई दूर में बैक सेवन के साथ में कोई आईसीएफ उत्कृष्ट है जो कि अराइवल ले रही है, और ये देखो यहाँ पर हमारा ट्रैक भी चेंज हो रहा है गाइस। भाई यार ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों जा रही है गाइस ट्रेन, ये देखो यहाँ पर ट्रैक चेंज हो चुका है सक्सेसफुली, एंड चलो अब मैं इस ट्रेन से नीचे उतर जाता हूँ भाई, मुझे इसके साथ दूर नहीं जाना यार, मुझे इसी प्लेटफॉर्म पर रहना है, एंड जितनी भी ट्रेनें आएंगी मैं कूदूंगा गाइस उनके ऊपर। और ये देखो यार ये जो लोकोमोटिव है ये वैम फोर लोकोमोटिव है, तुम देख सकते हो AJJ वैम फोर लोकोमोटिव, और अगेन मैं आ चुका हूँ फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, और अब मैं वेट कर रहा हूँ किसी और ट्रेन का, भाई कौन आ रहा है, कोई तो आ रहा है गाइस, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा था, रुको वो देखो रेड कलर का लोकोमोटिव है, पक्का वैम फोर होगा क्योंकि रेड कलर का लोकोमोटिव तो गाइस इस गेम में वैम फोर ही है, और तो मुझे कोई नहीं दिखा। और गाइस इसके ऊपर मैं जंप कर पाऊंगा देखता हूँ, आने दो जरा इसे। और ये देखो वही हुए गाइस इसका पेंटोग्राफ का कलर देखो यार, मतलब अभी तक जितने भी पेंटोग्राफ के कलर मैंने देखे हैं वो वाइट देखे हैं, बट इसका देखो यार इसका येलो कलर का पेंटोग्राफ है यार। तो भाई आज के इस वीडियो में गाइस मैंने तुम्हें वो भी दिखा दिया येलो कलर का पेंटोग्राफ, तुम देख सकते हो इसका जो पेंटोग्राफ है वो येलो कलर का है, एंड ये यहाँ पे शायद से रुकने वाली है, जैसे ही रुकेगी भाई मैं इसके ऊपर से नीचे कूद जाऊँगा भाई। लोको पैलेट गाइस जब मैं कूद रहा हूँ ट्रेनों के ऊपर तो लोको पैलेट को जो साउंड आ रही होगी ना मतलब डर गए होंगे गाइस, वो भी कह रहे होंगे कौन कूद पड़ा भाई मेरी ट्रेन पे, बट उन्हें क्या पता मैं तो भाई इस गेम में कुछ भी कर सकता हूँ। और फाइनली तुम देख सकते हो ये जो बैक फोर लोकोमोटिव है ये यहाँ पर आके रुक चुकी है, एंड यहीं तक मेरा सफ़र था, अब मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, और तुम देख सकते हो साइड में अगेन बैक फोर के साथ में कोई आईसीएफ उत्कृष्ट अराइवल ले रही है। तो भाई ये शॉर्ट सा वीडियो था, एंड अभी तो अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट बाकी है, मैंने कुछ नया चीज़ें सोची वो मैं करूँगा, चिंता मत करो आप लोग बस सपोर्ट करो यार। तो भाई चलो यार अभी इस वैब फोर से मैं नीचे वगैरह उतर जाता हूँ, पहले तो आप लोग इस ट्रेन का अराइवल देख लीजिए जो कि हमारे साइड में अराइवल ले रही है, देख रहे हो मतलब थोड़ा बहुत अगर आज के गेम प्ले में तुम्हें लैग देखने को मिले तो इग्नोर कर लेना, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं कोच के ऊपर आ चुका हूँ गाइस, मुझे लगता है ना मतलब पता नहीं क्या लीजिए यार, मैं जब भी कोच के ऊपर जाता हूँ तो मैं नीचे गिर जाता हूँ यार, अब पता नहीं कैसे पॉसिबल है कि नहीं। बाय द वे आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो क्या करना है पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट, तब तक के लिए बाय।